गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर लर्निंग अल्फाबेट ई. लेट्स स्टार्ट नाउ. ई फॉर एलिफेंट. हैव यू सीन एलिफेंट? आपने जू में देखा होगा एलिफेंट. दिस इज अ पिक्चर ऑफ एलिफेंट. नेक्स्ट पिक्चर इज ई फॉर ईयर. ईयर क्या है? हमारा जो बॉडी पार्ट है. ईयर क्या जो ईयर है वो क्या काम करता है? सुनने का. जो हमें आवाज़ सुनाई देती है वो कौन, जो हमारा बॉडी पार्ट्स है ईयर, उसी से हमें कोई आवाज़ सुनाई आती है. नेक्स्ट पिक्चर इज ई फॉर इंजन. हैव यू सीन इंजन? जब कभी आप कहीं भी बाहर घूमने गए होंगे, कभी ट्रेन में गए हैं आप, तो ट्रेन में जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं इंजन. ओके बच्चों, नेक्स्ट पिक्चर इज आइज. आइज भी क्या है? हमारा बॉडी पार्ट है जिससे कि हम जो भी हमें दिखाई देता है वो आइज के थ्रू ही हम सब कुछ देख सकते हैं. लाइक दिस, हम जो बुक देख रहे हैं, हम जो रीड कर रहे हैं, जो रीड कर रहे हैं हमें जो दिखाई दे रहा है वो किसके थ्रू दिखाई दे रहा है हमें? ई फॉर आइज के द्वारा. इन अदर पिक्चर्स ऑफ ई से, जैसे कि लाइक दिस ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग. हैव यू सीन एग? आपने जब कभी देखा होगा पेड़ पे जो बर्ड्स होती है वो नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, घोंसले के अंदर आपने एग देखे. एंड जो हैन होती है वो भी क्या देती है? एग देती है. कई लोग इसे ईट भी करते हैं. नेक्स्ट पिक्चर इज ईयर, जो हम अभी मैंने आपको भी बताया था, जो ये भी हमारे क्या बॉडी पार्ट्स हैं. नेक्स्ट पिक्चर आइज. तो ईयर और आइज हमारे क्या हैं? बॉडी पार्ट्स हैं. ईयर से हम सुन सकते हैं, आइज से हम देख सकते हैं. ओके बच्चों, तो बच्चों अभी तक हमने जो अल्फ़ाबेट सीखे थे ए बी सी डी. ओके, तो पहले हम इसका एक बार रिविज़न कर लेते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर इंग्लिश नोटबुक एंड देन प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस. तो ए फॉर एप्पल जो आपने बनाना सीखा, हमने ये जो थ्री डॉट्स लगाए हैं इन थ्री लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपर साइड जो वन डॉट नज़र आ रहा है उसको स्लैंटिंग लाइन यूज़ करते हुए आपको इससे डॉट टू डॉट को मैच करना है. देन अगेन डॉट टू डॉट मैच करके स्मॉल स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है. अंडरस्टैंड बच्चों? नेक्स्ट बिफोर बॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द स्टैंडिंग लाइन एंड देन टर्न इट एंड मेक अ हाफ सर्कल एंड देन अगेन टर्न एंड मेक अ हाफ सर्कल अटैच द रेड लाइन. बच्चों समझ में आया आपको कि हमने बिफोर बॉल कैसा बनाना सीखा था? नेक्स्ट सी फॉर कैट, वी हैव टू मेक, यानी कि हमने जो दो डॉट बनाए हैं थ्री लाइन के अंदर, तो आपको डॉट टू डॉट मैच करना है, बट आपको जो हाफ सर्कल बनाते हुए इस टाइप से, ये इस तरह से आपको टस्ट टू डॉट को मैच करना है. इट इज़ अ कम्प्लीटली सी फॉर कैट. नेक्स्ट अल्फाबेट इज डी. डी फॉर डॉग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ स्टैंडिंग लाइन एंड देन टर्न इट एंड टच द रेड लाइन. इट इज़ अ कम्प्लीटली डी फॉर डॉग. तो टुडे वी आर लर्निंग ई अल्फाबेट, हाउ टू मेक इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द स्टैंडिंग लाइन इन थ्री लाइन. वी विल यूज इन ओनली थ्री लाइन, 1, 2 and 3. मेक अ स्मॉल स्लिपिंग लाइन, अगेन मेक अ स्मॉल स्लिपिंग लाइन इन मिडिल. ओके, देन अगेन मेक अ स्लिपिंग लाइन. इट इज़ अ कम्प्लीटली ई फॉर एलिफेंट. मैं एक बार फिर आपको बताती हूँ कि ई फॉर एलिफेंट कैसे बनाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ, सबसे पहले हम स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, देन अपर साइड हम स्लिपिंग लाइन जो स्मॉल बनानी है हमें, एंड देन अगेन स्लिपिंग लाइन स्मॉल एंड अगेन स्लिपिंग लाइन. ठीक है, इस तरह से स्मॉल स्लिपिंग लाइन इसमें थ्री बनेगी. इट इज़ अ कम्प्लीटली ई फॉर एलिफेंट. तो बच्चों आपको इस तरह से इसको स्पीक एंड राइट करके इसकी प्रैक्टिस करनी है अगेन एंड अगेन. ओके, बाय बाय.